प्रो कबड्डी सीजन 11 के ऑक्शन में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी चंद्र रंजीत चले गए थे अनसोल्ड, लेकिन अब ऐसा अपडेट आया कि चंद्र रंजीत को मिल चुका है एक नई टीम पीकेएल सीजन 11 के लिए। हम सब जानते हैं चंद्र रंजीत उन रेडर्स में से जिनके पास काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है, डू और डाई रेड में काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीकेएल 10 के ऑक्शन में वो हो गए अनसोल्ड। कारण इंजरी का भी था और भी पता नहीं क्या सीन था, एक शॉकिंग था, इतने ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी कैसे अनसोल्ड जा सकते हैं। लेकिन फाइनली एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि चंद्र रंजीत को एक नई टीम मिली है। पहले भी चंद्र रंजीत काफ़ी टीमों के लिए खेल चुके हैं, लाइक दबंग दिल्ली, तेलुगु टाइटन्स और दबंग दिल्ली तेलुगु टाइटन्स, साथ ही में बुल्स के लिए खेल चुके हैं, और अब चंद्र रंजीत को एक नई टीम मिल चुकी है। किस टीम के लिए वो खेलने वाले हैं पीकेएल 11 आपको जानने को मिलेगा। अभी एक दो दिन पहले की बात है, जब मैं तमिल थलाइवास का सोशल मीडिया हैंडल को चेक कर रहा था, वहाँ पर एक वीडियो आया था जहाँ पर चंद्र रंजीत हमें रेडिंग करते हुए नज़र आ रहे थे कुछ मैचेस में, जो ट्रेनिंग हो रहा था वहाँ पर हमने देखा था सचिन तनवर का टैकल भी करते हुए, इनिशिएट करते हुए नज़र आए थे। तो इसका साफ मतलब है कि चंद्र रंजीत अब प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं। हमें पहले भी कहा था कि पीकेएल 11 जैसे होता है, अगर अनसोल्ड जाता है वो खिलाड़ी तो उसके बाद टीम्स उनको सीक्रेटली साइन कर लेती है और ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को नहीं बताया जाता है एक्सेप्ट फ्रेंचाइजीज एंड मैनेजमेंट को इसके बारे में पता होता है। साथ ही में प्रो कबड्डी को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये खिलाड़ी अनसोल्ड गया था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि कोई खिलाड़ी हमारी टीम से इंजर्ड हो गया है, हमें उसका रिप्लेसमेंट चाहिए और वो खिलाड़ी सिर्फ ऑक्शन से पिक किया जा सकता है। इसी तरीके से आए हैं चंद्र रंजीत पीकेएल में वापस, और वो किस टीम में खेलने वाले हैं वो आपको मैं जल्द बताऊंगा। कितने बड़े खिलाड़ी के अनसोल्ड जाने के बाद हम सब काफ़ी शौक थे कैसे चंद्र रंजीत वापस आएंगे, वो वापस आ चुके हैं। कुछ पिक्स भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से उनकी वापसी हुई है, किस टीम में वो आए हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। तमिल थलाइवास में चंद्र रंजीत हमें देखने को मिलेंगे खेलते हुए, लेफ्ट रेडर चंद्र रंजीत को साइन कर लिया गया है पीकेएल 11 के लिए। अब पहली बात यह कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट शेयर नहीं किया गया, लेकिन कुछ पिक्स शो कर रहा हूँ, यहाँ देखो ये क्लियर नहीं है, मुझे पता है कि ये पिक्चर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन चंद्र रंजीत हमें साफ इस पिक्चर में प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एक चेन में खड़े एक डिफेंडर के साथ और वहाँ पे वो रेडर के टैकल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ देखो सचिन तनवर रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप चंद्र रंजीत को देख सकते हो, वो वहाँ पे नीचे बैठे हैं, और ऑब्वियसली इसका साफ मतलब है कि कोई खिलाड़ी ऐसा है कि जो इंजर्ड हो गया है और उसके जगह चंद्र रंजीत को बुलाया गया है, और साफ यही मतलब है कि वो अब इस टीम के साथ जुड़ चुके हैं। एक और चीज़ है कि धर्मराज चिल्लाथन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है इनको वापस लाने में, दोनों तमिलनाडु से हैं और चिल्लाथन ने काफ़ी क्लोजली इनका कैरियर को फॉलो किया है जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, और चंद्र रंजीत अब पीकेएल 11 में तमिल थलाइवास के लिए मोस्ट लाइकली खेलते हुए नजर आएंगे। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई भी तरह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पिक शेयर हुए हैं ट्रेनिंग कैंप से, प्रैक्टिस कैंप से, उसे साफ ही जाहिर होता है कि चंद्र रंजीत अब तमिल थलाइवास को ज्वाइन कर चुके हैं। एक बहुत अच्छा रेडर मिल चुका है जो जब काम आएगा तो किस तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं वो हम सबको पता है। उनके आने से तमिल थलाइवास अब और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके, एक अच्छा रेडर मिल चुका है जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, और एज अ थर्ड रेडर वो अच्छा करते हुए नज़र आ सकते हैं, ऐसा हम सबको उम्मीद है। उम्मीद है चंद्र रंजीत अच्छा करे जो उनको मौका दिया गया तमिल थलाइवास में। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जैसे होता है आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा है कि कोई खिलाड़ी ऐसा है जो कि इंजर्ड हुआ है उसके जगह चंद्र रंजीत ने उनको रिप्लेस किया है। आई होप ये अपडेट बहुत जल्द सही हो जाए एंड चंद्र रंजीत हमें पीकेएल 11 में एक नई टीम के लिए खेलते हुए नजर आया। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो कि वापस आ सकते हैं, मुझे एक सबसे बड़ा उम्मीद लग रहा है विशाल भारद्वाज का आना, विशाल भारद्वाज को भी नई टीम मिल सकती है। अब देखते हैं क्या होता है उस पर, जैसे कोई अपडेट आता है मैं शेयर करूंगा। अगर चंद्र रंजीत वापस आ सकते हैं वाई नॉट विशाल भारद्वाज, वाई नॉट सचिन चंद्रशेखर, अब देखते हैं क्या होता है इस पर, जो भी अपडेट आएगा शेयर कर दिया जाएगा। कितने ज़्यादा खुश हो चंद्र रंजीत के आने से पीकेएल 11 में, चाहे वो कोई भी रोल में हो, एज अ प्लेयर ही देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है किसी की रिप्लेसमेंट में आए हो, लेकिन चंद्र रंजीत हमें पीकेएल 11 में देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट थलाइवास शेयर करेगी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, कमेंट करके बताना कितने ज़्यादा खुश हो आप इस अपडेट से। मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे।